सात्विक सदा कहते हमें सद्धर्म पथ अपनाइए। कौन सा पथ अपनाना है? सद्धर्म पथ, सत आचरण को पालकर सात्विक स्वयं हो जाइए। आज मैं इस मंच से आह्वान कर रहा हूं, यदि हमें हमारे देश की रक्षा करना है, संस्कृति की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करनी है, तो एक सबसे बड़ा संकल्प आपको लेना है आज। क्या संकल्प लेना है? कि जिन आतंकवादियों ने हमारी सीमा में घुस करके हमारे सैनिकों को बिना काम के उनको मार दिया है और हमारे वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, ऐसे देश को जब हम नियंत्रण में लाना चाहते हैं, हमारा भारत नियंत्रण में लाना चाहता है, तो दूसरा देश उसको सपोर्ट करने के लिए आज उसने ब्रह्मपुत्र नदी से आने वाला पानी, भारत में आने वाले पानी को रोक दिया है। यदि वो वहां से पानी को रोक सकते हैं तो हम भी अपने भारत से जाने वाली लक्ष्मी को चीन में नहीं जाने देंगे। ये संकल्प सबको करना है। जितने व्यापारी हैं, चाइना का आइटम, चाइना से बनने वाली लाइट हो, चाइना से बनने वाली आपके फुलझड़ियों हो, फटाके हो, जो भी रंगोली सामान आ रहा है, ना आपको बेचना है ना खरीदना है, ये सबसे बड़ा संकल्प आपको आज लेना है। चाहे दो पैसे कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन चीन से आने वाले आइटम, क्योंकि यदि वो हमारे देश में आने वाली नदी को रोक सकता है तो क्या हम पैसा नहीं रोक सकते? जो चाइना से आने वाले दीपक हैं हमको नहीं जलाना है, चाइना से आने वाली लाइटें हमको नया बेचना है ना खरीदना है। व्यापारी भी और ग्राहक सभी संकल्प करेंगे, आप लोग दोनों हाथ जोड़िए। ये सबसे बड़ा देश के लिए आपकी वफादारी होगी। और यदि कोई भी व्यक्ति चार पैसे कमाने के लिए चाइना से आने वाले सामान को बेचेगा या खरीदेगा, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार, देशद्रोही होगा। वह फूल नहीं वह कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं, वह फूल नहीं वह कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं, मत कहो उसे हरगिज वीणा जिसमें बजती झनकार नहीं। वह जीवित भी है मरा हुआ जो करता पर उपकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे भारत मां से प्यार नहीं, जिसे भारत मां से प्यार नहीं। यदि भारत मां से प्यार है तो आज शुरुआत हमें करनी है। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए नमोस्तु गुरुदेव। हम आत्म साक्षी पूर्वक देव शास्त्र गुरु की साक्षी में, पंच परमेष्ठी की साक्षी में, समाज की साक्षी में हम संकल्प करते हैं, हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, देशद्रोह नहीं करेंगे। और जिन जिन देशों से हमारे देश पर आक्रमण हो रहा है, ऐसे देश का कोई भी सामान ना हम खरीदेंगे ना हम बेचेंगे। यह आपको संकल्प लिया है, इसका पालन करना है। कोई भी सामान हो, विशेष करके चाइना पर विशेष ध्यान देना है। जो चाइना से सामान आ रहा है ना हमें लाना है ना खरीदना है ना बेचना है ना उसको फोड़ना है, विशेष ध्यान दीजिए।